हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोवेक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज नोकिया X6 नहीं, आज हम बात करेंगे रेडमी शाओमी के बारे में। शाओमी ने रखा है दोस्तों 31 मार्च को शेंजन, जो चाइना का एक सिटी है, वहां पे एक इवेंट और वहां पे लॉन्च करने वाले हैं कुछ कमाल की चीज़ें और 2-3 डिवाइसेज भी। ऐसा रूमर्स है कि 2-3 डिवाइसेज लॉन्च होने वाले हैं वहां पे। तो 2 डिवाइसेस में से हैं, जो कि एक है MI Note 5 और दूसरा है Redmi 6। हाँ, ये दोनों फ़ोन्स आने वाले हैं ऐसा रूमर्स है और इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे लॉन्च हो सकती हैं जो एक्सपेक्टेड है दोस्तों। तो ज़्यादा देर करते नहीं है दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों 31 मई को शेंजन में, जो चाइना है, वहाँ पे एक इवेंट रखा है शाओमी ने। उसमें सबसे मेन उनका डिवाइस होगा MI 8। हाँ, उन्होंने MI 7 स्किप कर दिया है, MI 6 लॉन्च हुआ था लास्ट टाइम, MI 7 स्किप कर दिया, क्योंकि MI 8 लॉन्च इसलिए करें क्योंकि 8th एनिवर्सरी है उनकी। हाँ, शाओमी को 8 साल पूरे हो गए, तो उसके ही उपलक्ष्य में उन्होंने नया डिवाइस MI 8 लॉन्च करने वाले हैं। उसके साथ कुछ प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं दोस्तों, जिसमें MI Band 3 जो है वो भी रूमर्ड एक है कि वो भी आ सकता है, और उसके साथ वो MIUI 10 भी लॉन्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने नए, जिस पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उनका खुद का प्रोसेसर है Surge S2, उसको भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें वायरलेस चार्जिंग के साथ ये प्रोसेसर आएगा दोस्तों। मतलब जिस फ़ोन में भी देंगे वहाँ पर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगा दोस्तों उसमें। दोस्तों और भी कुछ फ़ोन्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से मेन हमारे आ रहे हैं MI Note 5 और Redmi 6। तो MI Note 5 और Redmi 6, MI Note 5 जो है MI Note 3 का सक्सेसर माना जा रहा है। यहाँ पे भी MI Note 4 उन लोगों ने स्किप किया है, उसे लॉन्च कर सकते हैं। और दोस्तों स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग में आए तो MI Note 3 से कम प्राइसिंग रखा है इन लोगों ने। MI Note 3 जो आया था 6GB और 64GB वाला जो वेरिएंट था दोस्तों, वो चाइना में लॉन्च हुआ था 2599 चाइनीज युआन, यानी करीब 26,500 रुपये। और दोस्तों जो MI Note 5 आ रहा है, उसका जो रूमर्ड प्राइस आ रहा है 4GB और 64GB वाले का, उसका प्राइस आ रहा है दोस्तों 2399 रुपीज़, यानी करीब 25,000-25,500 रुपये के आसपास दोस्तों। अब 25,000 रुपये में अगर इसके स्पेसिफिकेशन आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 5.99 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, जिसको फुल स्क्रीन 2.0 डिज़ाइन भी कहा जाता है, जिसमें बेजल्स होते हैं वो अल्ट्रा थिन होंगे, बहुत पतले या न के बराबर समझ लो। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें फ्लैगशिप लेवल वाला प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 835 का, जो कि थोड़ा पुराना है 845 से, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों। इसमें 2 वेरिएंट आने के चांसेस हैं, 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसके बाद कोई रैम वेरिएंट आता है तो उसका अभी तक खुलासा हुआ नहीं। अगर दोस्तों कैमरा की बात करें इसमें, तो ड्यूअल कैमरा आएगा या सिंगल कैमरा आएगा, अभी तक इस बात का खुलासा हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही रूमर्स हैं, जितना है उतना मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सारी चीज़ें तो 31 तारीख को ही पता चलेंगी। तो दोस्तों अगर प्राइस की बात करें, तो 25,000 रुपये में अगर आप देखो तो फुल व्यू डिस्प्ले, अगर उसके साथ साथ आपको स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर मिलता है और ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है और मार्केट में ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि 15 से 16 हज़ार तक हमको स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज़ के प्रोसेसर 20,000 तक मिलते हैं। तो अगर 23-24-25 हज़ार में अगर मुझे 835 का प्रोसेसर मिलेगा, तो कोई भी ले लेगा दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरा डिवाइस, जो कि है Redmi 6, जो कि सक्सेसर माना जा रहा है Redmi 5 का, जो अभी रिसेंट में नवंबर दिसंबर में ही चाइना में लॉन्च हुआ था। उसके बाद इंडिया में भी आया, इंडिया में तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने पहले ही आया है वो, Redmi Note 5 Pro के बाद लॉन्च हुआ था। तो Redmi 6 भी यहाँ पे अनवेल हो सकता है। अगर Redmi 6 यहाँ पे तीन, वो जो टेना का वेबसाइट है, उनका सर्टिफिकेशन वेबसाइट, वहाँ पे 3 मॉडल्स रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 2 मॉडल्स है उसमें बैक साइड पे सिंगल कैमरा बताया गया है और 1 मॉडल है जिसमें बैक साइड पे ड्यूअल रियर कैमरा बताया गया है। हाँ, ड्यूअल कैमरा बताया गया है। तो इसमें दोस्तों बात ये हो गई है कि अब इसमें Redmi 6 कौन सा वाला है, Redmi 6A कौन सा वाला है। लोग कह रहे हैं कि जो सिंगल कैमरा वाला है वही Redmi 6 होगा, और उसके स्पेसिफिकेशन की अगर दोस्तों बात करें हम लोग, तो इसमें दोस्तों 5.45 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जो कि 2.5D कर्व ग्लास के साथ आएगा, और दोस्तों वो HD+ होगा, यानी 720x1440 उसका पिक्सल डेंसिटी होगा दोस्तों। अगर एंड्रॉइड सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो इसमें एंड्रॉइड का ओरियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, और अगर स्किन की बात करें तो शाओमी का खुद का जो है MIUI 9 वही आएगा इसमें, 9.5 नहीं दिया है, देखते हैं, अभी तो रूमर ही है 9.5, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि दिया नहीं है। टेना पे जो सर्टिफिकेशन वेबसाइट है उस पर जो भी आए थे उसमें यही मिला है दोस्तों। 2 GHz का स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर है, वो उसको पावर देगा। हाँ, 2 GHz का ही है स्नैपड्रैगन 625। अब अगर 9,000-10,000 के प्राइस रेंज में देखोगे तो एक अच्छा प्रोसेसर माना जाएगा, पुराना है बट एक अच्छा प्रोसेसर आप मान सकते हो 8-10 हज़ार के रेंज के अंदर अगर ये मोबाइल लॉन्च होता है दोस्तों। तो इसके साथ ही ग्राफिक्स के लिए आपको एड्रीनो का 506 का GPU मिलेगा, जो कि एक
ठीक ठाक लेवल का जीपीयू माना जाता है, 506 काफी अच्छा है। कैमरा की दोस्तों बात करें तो इसमें 12 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा होगा, और ड्यूएल कैमरा वाले का अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन पता नहीं चला है, और कौन सा फोन है अभी ये भी पता नहीं चला है, लेकिन इसमें पता चला है कि इसमें रियर कैमरा जो है एक्चुअल मेन कैमरा होगा वो 12 मेगापिक्सल का होगा, और फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है दोस्तों 5 मेगापिक्सल का होगा। दोस्तों 3000 mAh की बैटरी होगी जो कि काफ़ी आपको जूस दे देगी पूरे दिन यूज़ करने के लिए। एक दिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो एक दिन आराम से 3000 mAh की बैटरी यूज़ कर सकते हो। और कार्ड्स जो हैं, स्लॉट्स जो हैं दोस्तों 4G वोल्टेज सपोर्ट करेंगे दोनों, ड्यूअल सिम हाइब्रिड होगा, ड्यूअल सिम होगा हाइब्रिड, बट उसमें आप 4G कार्ड्स लगा सकते हो दोस्तों। उसके बाद इसमें वेरिएंट की बात करें तो 3 वेरिएंट आएंगे चाइना में, जिसमें एक 2GB 16GB होगा, दूसरा 3GB 32GB होगा, फिर नेक्स्ट होगा 4GB और 64GB, जिसमें आप एक्सपांड कर सकते हो मेमोरी को 128GB तक। तो रूमर्स जितने भी थे, जितने भी नंबर्स आए हैं, उससे यही पता चल रहा है कि इतने सारे स्पेसिफिकेशंस के साथ आएंगे, जो कि 31 मई को अभी 3-4 दिन बाद लॉन्च होगा शेंजन चाइना में। इसके बाद अगर कोई चीज़ न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर बताया करूँगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जो अभी हमको पता चले हैं, उसके साथ साथ ही MI नोट 5 और रेडमी 6 ये दोनों फ़ोन्स आने वाले हैं, उसके स्पेसिफिकेशन दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, पसंद नहीं आया तो अनलाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों नहीं पसंद आया, उसके बाद मुझे सजेशन दीजिए, पसंद आया तो जरूर बताइए क्यों पसंद आया, आपको दोनों फोन्स में से कौन से फोन ज्यादा अच्छे लगते हैं, वैल्यू फॉर मनी कौन सा फोन सबसे ज्यादा लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, चलता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, और ऐसे नए नए वीडियोज के लिए साइड में अगर आप देखोगे तो मेरा वेक्टर इमेज, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं इस वीडियो में, इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।